हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कैंपस। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है एकेडमिक ब्लॉक और हम आपको स्टार्टिंग से दिखाएंगे कि किस तरीके से गेट से स्टार्ट होता है। और चलिए तो गेट से शुरू करते हैं। ये यहाँ से आप इंटर कर सकते हो दोस्तों, और इंटर करने के बाद हम सबसे पहले इधर, ये फैकल्टी हाउस है, तो यहाँ पे जितने फैकल्टी वगैरह स्टाफ है वो इधर रहते हैं। तो ये उनका जो दिया हुआ क्वार्टर है, क्वार्टर जहाँ पे जितने फैकल्टी वो रहते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसके बाद हम आपको ले चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। तो बॉयज़ हॉस्टल के लिए ये देखिए, ये हॉस्टल नंबर 4 है और यहाँ पे SBI का ATM लगा हुआ है। इसी तरह यह हॉस्टल नंबर 3 है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक का दोस्तों ATM लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है और आप सोच नहीं सकते हो कि यहाँ पे कितना कम फी में आप यहाँ पे रह सकते हो दोस्तों। ये है स्विमिंग पूल और हर चीज़ का व्यवस्था है दोस्तों। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर सकते हो, और इधर प्ले ग्राउंड है दोस्तों, तो प्ले ग्राउंड में आप खेल सकते हो। बहुत ही बेहतरीन है, हर चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे। तो अब चलिए, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये है हॉस्टल नंबर 8। तो इस हॉस्टल में लगभग लगभग यहाँ सारे हॉस्टल में वही आपको 150 से 500 तक के कमरे हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से हॉस्टल कैसा है। तो बॉयज़ हॉस्टल था दोस्तों, और ये जस्ट हॉस्टल नंबर 8 के बगल में दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कैक्टस पार्क है, और इसके अंदर छोटा छोटा जो लेक टाइप का बना है दोस्तों। ये देखिए, ये कितने खूबसूरत, यहाँ पे हर तरह के जानवर आपको छोटे छोटे, मतलब खरगोश, बत्तख और अनेक प्रकार के छोटे छोटे पक्षी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए, हम आपको पूरा स्लाइड का कैंपस है जो दोस्तों संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्लाइड कहते हैं। ये है यहाँ का दोस्तों स्टेडियम। यहाँ पे ओलंपिक वगैरह होते रहते हैं दोस्तों, सारे स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग गेम खेलते हैं यहाँ पे। और जस्ट इसके सामने है ये कैक्टस पार्क। तो चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम बॉयज़ हॉस्टल का, आपको कई बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पे, लगभग 10 बॉयज़ हॉस्टल है, और हमने आपको कैपेसिटी बताई है कि वही 150, किसी में 300, किसी में 400 500, डिपेंड करता है कि हॉस्टल में एक बेड के हिसाब से। किसी हॉस्टल में एक रूम में एक ही बेड है, किसी में एक रूम में 3 बेड है, तो इस अनुसार से दोस्तों। तो ये देखिए, ये है प्ले ग्राउंड, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है खेलने में। अभी तो आप ये देखिए, नया ये बिल्डिंग बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का दोस्तों ये बिल्डिंग बन रहा है ये। तो ये बिल्डिंग जब बन के तैयार होगी, फिर इसमें भी काफ़ी भीड़ होने वाला है। और ये है स्टेट ऑफिस, यहाँ से सारे बिजली वगैरह का दोस्तों पूरा स्लाइड को कवर किया जाता है। ये है दोस्तों लाइब्रेरी, और इस समय आप देख रहे हो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय छुट्टी है कॉलेज में, सारे बच्चे कॉलेज छोड़कर घर गए हुए हैं, काफ़ी टाइम से बंद है ये दोस्तों। सैक, तो यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, खेलते हैं और अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग गेम में। और काफ़ी आपको यहाँ पे दोस्तों ग्रीनरी मिलेगा, बहुत ही मस्त एक तरीका के, आपको कितने यहाँ पे सालों गुजर जाएंगे लेकिन आपका मन हमेशा लगेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छोटा सा है दोस्तों ये, तो यहाँ पे आके आप शॉपिंग कर सकते हो। छोटे छोटे कुछ 3 4 शॉप है यहाँ पे, जहाँ से आप रोज़मर्रा का अपना खरीदारी कर सकते हो। ये देखिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मंदिर में शिव मंदिर है, जो कॉम्प्लेक्स के जस्ट मंदिर में, यहाँ पे आप पूजा वगैरह भी कर सकते हो दोस्तों। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चों का जो हमारे स्टाफ होते हैं यहाँ पे, इसके लिए, इसके बच्चों के पढ़ने के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है, तो यहाँ पे उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इधर आपने देखा, यहाँ पे MBA का डिपार्टमेंट है। हम फिर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए MBA डिपार्टमेंट बन रहा है, यहाँ से आप MBA भी कर सकते हो दोस्तों। हर तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पे, इंजीनियरिंग से लेकर MTech, MBA, तो आप यहाँ आकर डिप्लोमा भी कर सकते हो, MBA भी कर सकते हो। तो अब हम आ गए यहाँ ऑडिटोरियम के पास, तो ये काफ़ी खूबसूरत है अंदर से दोस्तों। तो इस समय सारा कॉलेज बंद है, तो हम आपको बाहर बाहर से पूरे कॉलेज को विजिट करके दिखाते हैं, और एक एक लोकेशन पे जाके हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, वीडियो शूट करके। तो अब जो दोस्तों लोकेशन आने वाला है, आपको बहुत ही
गुदगुदा कर देगा अंदर से। ये देखिए, आपको दूर से लग रहा होगा कोई झील है क्या है, तो चलिए हम नज़दीक से आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे आप घंटों टाइम भी गुजार सकते हो सुबह से आकर शाम तक बैठकर। ये सारे कॉलेज कैंपस के अंदर है दोस्तों, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे। तो आप अगर चाहते हो यहाँ से बीटेक करना तो बीटेक भी कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो फैकल्टी लगना तो आप यहाँ पे टीचर एज अ प्रोफेसर कुछ भी लग सकते हो दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है और यहाँ पे आपको एक तरीके का कभी बोर नहीं होगा। और बहुत ही शोर शराबे से दूर बिल्कुल गांव में है दोस्तों ये कॉलेज, तो पंजाब में पड़ता है, ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। संगरूर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है लौंगोवाल, तो वहीं पे है बिल्कुल संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो संत लौंगोवाल जी के नाम पे इस कॉलेज का नाम पड़ा है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम आप यहाँ गुजार सकते हो। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे, मतलब ये लेक है एक तरीके का, यहाँ पे हमेशा 12 मास आपको पानी भरा सा मिलेगा और काफ़ी शांति मिलती है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही पेड़ घने हैं और यहाँ पे ये जो लेक है इसके आसपास दोस्तों बैर बगीचा है, बहुत सारे अमरूद का, बैर का, अलग अलग तरह। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये एकेडमिक डिपार्टमेंट आपको दिखाते हैं, यहाँ से ही सब कुछ कॉलेज को हैंडल किया जाता है। तो ये देखिए, ये है संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एकेडमिक डिपार्टमेंट। देखिए रोड कितना साफ़ और सुथरा दिखता है। अब हम आगे, यहाँ ये हॉस्टल नंबर 10 है दोस्तों, जो सबसे लेटेस्ट बना है, लेकिन ये देखिए पेंट वगैरह बिल्कुल झड़ रखा है, लगभग ये कई महीनों से अभी बंद है दोस्तों ये कॉलेज। अब जब खुलेगा तो एक वीडियो वो बनता है, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि अब स्टूडेंट वगैरह जब इसमें रहते तो काफ़ी भीड़ सा रहता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह दोस्तों अभी आ रहे हैं, जिसकी गाड़ी आप यहाँ देख रहे हो लगे हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई क्लास नहीं लग रहा है क्योंकि पूरे कॉलेज में छुट्टियाँ हैं। तो मैं सोचा था आपके लिए ये वीडियो लाता हूँ, तो पूरे कॉलेज को मैं टूर करके आप रिकॉर्ड किया हूँ वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, ये है केमिकल एंड फूड डिपार्टमेंट, जस्ट इसके सामने बगल में कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो चलिए अब हम चलते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपको दिखाते हैं दोस्तों, और जस्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सामने है साइंस डिपार्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका साइंस डिपार्टमेंट, यहाँ फूड और केमिकल डिपार्टमेंट से अटैच है इसका सीढ़ी। और इधर आपको दिख रहा है साइंस डिपार्टमेंट के जस्ट सामने मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो ये देखिए, ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी अलग अलग डेट अनेक तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो जब आप कॉलेज विजिट करोगे या कॉलेज के बारे में डिटेल आपको नेट पे सारा चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए, हम तो आपको आज मेनली कॉलेज का टूर कराने वाले हैं, तो मेनली वही हम आपको दिखाएंगे कि कॉलेज आपको कैसा दिखता है, ताकि आप अगर यहाँ बीटेक या एमटेक या पीएचडी या डिप्लोमा कुछ भी करना चाहते हो तो लगभग 3 साल 4 साल दोस्तों। ये है हेल्थ सेंटर, कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ से आपको हेल्थ चेकअप सारा चीज़ का मुहैया मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह सारा चीज़ है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। और दोस्तों ये देखिए, ये पानी टंकी जो पूरे कॉलेज में यहीं से पानी जाता है, और काफ़ी बड़ा कॉलेज है। आप पूरे दिन घूमोगे तो बहुत ही काफ़ी टाइम लगता है घूमने में। और यहाँ जो आप सामने देख रहे हो दोस्तों, ये है बस स्टॉप, और यहाँ से आपको शहर जाने के लिए बस मिलेगी। अब हम चल रहे हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये राइट साइड जो हमारे देख रहे हो, ये है डायरेक्टर ऑफिस, और ये जो सामने गर्ल्स हॉस्टल है दोस्तों, गर्ल्स हॉस्टल के सामने भी ये एक छोटा सा शॉपिंग करने के लिए 2-3 दुकानें हैं। और जस्ट इसके आगे है ये ट्रांजिट, यहाँ से पे कोई भी फैकल्टी आके, अगर आपके जान पहचान के कोई भी गेस्ट है तो आके यहाँ रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये दिखा रहे हैं हम आपको गर्ल्स हॉस्टल का पीछे का नज़ारा। तो इस तरीके से अंदर 3 हॉस्टल है, और हम पूरे कॉलेज घूमते घूमते गेट की तरफ वापस आ रहे हैं दोस्तों। तो ये है स्लाइड का गेट। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, ज़रूर हमें बताएं। तो दोस्तों इसका हम पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द, कि कैंपस के बाहर जो दीवार के बाहर क्या क्या है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो यहाँ पे आप एडमिशन डायरेक्ट, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, उसके थ्रू भी आप आ सकते हो, EEE के थ्रू आ सकते हो, गेट के थ्रू आ सकते हो। तो दोस्तों अलग अलग यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का, उसके थ्रू आप क्रैक करके फिर यहाँ एडमिशन आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम पार्ट 2 बनाते हैं आपको,
और फिर बताते हैं कि स्लाइड कैंपस के बाहर क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।